आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हाउ टू सेट सिग्नेचर इन टेलीप्राइम वाउचर। आइए देखते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। यदि आप भी चाहते हैं टेलीप्राइम को कम्प्लीट सीखना, वो भी एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर टेलीप्राइम एडवांस वाले सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप भी चाहते हैं अपने टेलीप्राइम के वाउचर में सिग्नेचर लाना, कैसे लाएंगे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। वाउचर में आएंगे, वाउचर में आने के बाद यहाँ पर कंट्रोल पी करेंगे और यहाँ पर आप प्रीव्यू देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सिग्नेचर आ रहा है, मतलब यहाँ पर हम टेक्स्ट में लिखे हैं। तो इस प्रकार का आप कैसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम TDL फाइल बनाना सीखेंगे, मतलब कैसे क्रिएट करते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ डेस्कटॉप पर, और डेस्कटॉप पर आने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद एक नया यहाँ पर फोल्डर बनाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट एन से भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर हम फोल्डर बना लिए हैं, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर फोल्डर बन चुका है, उसके बाद आपको ओपन करना है नोटपैड को। कैसे ओपन करेंगे, विंडो आर करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं नोटपैड। आपको दिख रहा होगा मेरा यहाँ पर नोटपैड लिखा हुआ है, ओके करेंगे तो यहाँ पर मेरा नोटपैड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मेरा नोटपैड ओपन हो चुका है, इसमें TDL फाइल का टेक्स्ट लिखना होगा, तो मैंने पहले एक बना के रखा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसे मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और इस फोल्डर को भी मिनिमाइज़ करता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा TDL नाम का एक फोल्डर है और इसमें TDL नाम का एक नोटपैड फाइल है जो कि आपको दिख रहा है। इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर जितना भी टेक्स्ट है इसको सेलेक्ट करके हम कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद यहाँ से हम कंट्रोल सी करते हैं, और अभी जो हम एक नोटपैड फाइल नया बनाए हैं उसमें आकर यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं है, आप इसे देखकर लिख भी सकते हैं। वीडियो को पाउज करिए और देखकर आप इसे लिख लीजिए। मैं जूम कर देता हूँ, आपको यहाँ पर दिख रहा है, अच्छे से आप देख करके इसे टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ग्राफिक टाइप, जो ये मैंने लिखा है ग्राफिक टाइप, यहाँ पर इसका लोकेशन दिया हुआ है, मतलब जो ये TDL फाइल है, जो ये फ़ोटो का आपका लोकेशन है, वो इस जगह मिलेगा। तो ये आप कैसे करेंगे, जैसे ये मैंने लिखा है कैसे, मैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसे मिनिमाइज़ करता हूँ। मिनिमाइज़ करने के बाद ये जो TDL आपका फोल्डर दिख रहा है, इस पर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में आना है। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा जो भी इसका लोकेशन है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो अभी वहाँ पर मुझे अलग सेट करना होगा, कैसे करेंगे, मैं अभी इसे क्लोज़ करता हूँ और इसे भी क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करने के बाद इसको मिनिमाइज़ करते हैं, और अभी जो हम फोल्डर बनाए न्यू फोल्डर, इस पर हम इसका नाम चेंज करेंगे। नाम चेंज करने के लिए कीबोर्ड से F2 बटन, या फिर आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद नीचे आपको दिख जाएगा रीनेम, आपको रीनेम पे क्लिक करना है। रीनेम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सिग्नेचर। सिग्नेचर लिखने के बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद इसको ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पर मेरा ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद जो नोटपैड फाइल था, यहाँ पर आपको दिख रहा है नोटपैड फाइल जो मैंने कॉपी पेस्ट किया है, ये TDL वाला है और ये दूसरा कॉपी पेस्ट किए, तो इसको सेव एज कराएंगे, मतलब इसको इसी फोल्डर में मुझे सेव करना है। मैं अभी इसको क्लोज़ कर देता हूँ जिससे कॉपी किए थे। क्लोज़ करने के बाद फाइल में जाएंगे, यहाँ पर सेव एज सेलेक्ट करेंगे या फिर सेव भी कर सकते हैं, और इसे उसी फोल्डर में डेस्कटॉप पे जाके सेव करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है सिग्नेचर नाम का फोल्डर है, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर कोई भी नाम आप डाल दीजिए, जैसे TDL ही नाम डाल देते हैं। TDL नहीं डालते हैं, यहाँ पर सिग्नेचर डालते हैं, SIGN डॉट। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर देखिए SIGN लिखने के बाद डॉट लगाए हैं। डॉट लगाने के बाद यहाँ पर इसका एक्सटेंशन चेंज होगा। एक्सटेंशन चेंज क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले वाले पे आता हूँ, जिस जो कि पहले हम यूज़ कर रहे थे TDL फाइल। यहाँ पर देखिए ये जो फाइल है, इस पर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ पर आते हैं, और प्रॉपर्टीज़ पर आने के बाद यहाँ पर देखिए इसका एक्सटेंशन क्या है, .tcp, यही आपको एक्सटेंशन रखना है, कुछ अलग नहीं रखना है। मैं इसे क्लोज़ करता हूँ और फिर से आते हैं अपने जो नोटपैड फाइल था, और यहाँ पर वही सेम चीज़ आपको लास्ट में लिखना है, .tcp लिख दिए, ये इसका एक्सटेंशन है जो कि हम वहाँ पर TDL फाइल अपलोड करेंगे। उसके बाद इसे हम सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो
तो ये आपका उस फोल्डर में आ जाएगा। मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, डेस्कटॉप में आने के बाद सिग्नेचर नाम का जो फोल्डर है यहाँ पर देखिए ये आ चुका है, TCP फाइल है। ध्यान से आप देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है TCP फाइल। कोई दिक्कत है, यहाँ तक आपको समझ में आया? उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में आएंगे। कहाँ पर राइट क्लिक करना है, जहाँ पर आपने इसे सेव किया है TCP फाइल को, उसी जगह पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में आएंगे और यहाँ पर आपको दिख जाएगा लोकेशन। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर लोकेशन दिख रहा है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट। उसके बाद कॉपी करेंगे Ctrl+C से और इसे क्लोज कर देंगे। कॉपी करने के बाद अब आ जाएंगे अपने नोटपैड फाइल पे, जो कि नया हम बनाए हैं अभी, TCP नाम से सेव किए हैं। इसमें आने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर हम लोकेशन पे आते हैं, जहाँ पर सी ड्राइव वगैरह दिख रहा है ग्राफ टाइप में, इसको सेलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद पेस्ट कर दिए, पेस्ट जैसे ही किए हैं यहाँ पर मेरा आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर हम backslash देंगे, backslash देने के बाद डेस्कटॉप पे कौन से फोल्डर में है, तो फोल्डर का नाम हमने क्या रखा था, सिग्नेचर। जैसे आपने वहाँ लिखा है सेम टू सेम वैसा आप यहाँ पे लिख दीजिए, सिग्नेचर यहाँ पर हम लिख दिए हैं SIGNATURE। अच्छे से आप देख लीजिए स्पेलिंग, यदि आपका स्पेलिंग मिस्टेक है तो आपका नहीं होगा, आपको दिक्कत होगा आगे, तो यहाँ पर हम स्पेलिंग मैच करा लेते हैं, स्पेलिंग मेरा सही है। उसके बाद एक और यहाँ पर हम उसके बाद एक और backslash देंगे। हम यहाँ पर दो backslash दिए हैं, पहला डेस्कटॉप के बाद दिए हैं, उसके बाद फोल्डर का नाम डाले हैं और एक और backslash दे दिए। ये करने के बाद आपका जो सिग्नेचर का फाइल होगा वो JPG होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है .jpg लिखे हैं हम। उसके बाद इसका हाइट विड्थ कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए आपको मदद लेना होगा फोटोशॉप का। अभी हम Ctrl+S करते हैं, Ctrl+S करने के बाद इसे हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज हो चुका है, यहाँ पर हम फोटोशॉप खोल लेते हैं। फोटोशॉप खुलने के बाद आपको इसमें एक पेज बनाना है, जो कि होगा आपका हाइट 2 सेंटीमीटर और विड्थ होगा 8 सेंटीमीटर का। तो Ctrl+N करते हैं, Ctrl+N करने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है विड्थ 8 सेंटीमीटर है और हाइट को कर लेते हैं यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। रेजोल्यूशन आप 120 रखिए या फिर इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, यहाँ पर हम अभी 222 कर देते हैं और ओके करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे सामने में पेज आ चुका है, जो कि हाइट है 2 सेंटीमीटर का और विड्थ है 8 सेंटीमीटर का। यहाँ पर आप सिग्नेचर लिख भी सकते हैं या फिर अभी हम क्या करेंगे, टेक्स्ट टूल लेंगे और यहाँ पर टाइप कर देंगे। आप टेक्स्ट लीजिए या फिर आपके पास यदि सिग्नेचर है तो आप फोटोशॉप में आकर उसे क्या करिए, हाइट 2 रखिए और 8 रखिए विड्थ सेंटीमीटर में, और उसे क्रॉप कर लीजिए। वो भी मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी ये तो मैंने लिखा, अभी इसको क्रॉप करना है उसी साइज़ में, तो यहाँ से हम क्रॉप टूल लेंगे। पहले वो फ़ोटो को आप ओपन कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आपको विड्थ हाइट दिख रहा है, यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको सेंटीमीटर कर लीजिए और हाइट को भी राइट क्लिक करके सेंटीमीटर कर लीजिए। रेजोल्यूशन में आपको वही रखना है जो वहाँ पे रखे थे, 222 इंटर करते हैं और यहाँ पर हम सेंटीमीटर में हाइट कितना था मेरा 2, तो यहाँ पर 2 दे देंगे और विड्थ कितना था 8, तो यहाँ पर हम 8 डाल देंगे। डालने के बाद आपको इस पिक्चर को क्रॉप कर लेना है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इसको अच्छे से आप क्रॉप कर लीजिए, यहाँ पर हम क्रॉप कर लेते हैं, इंटर करेंगे, यहाँ पर मेरा क्रॉप हो चुका है। उसके बाद फाइल में जाएंगे, सेव एज में जाएंगे और सेव एज में जाने के बाद आपको उसी फोल्डर में इसको सेव करना है। तो डेस्कटॉप पे फोल्डर है, डेस्कटॉप पे आते हैं और सिग्नेचर नाम का फोल्डर था, इसमें आ जाते हैं और फाइल फॉर्मेट आपको ध्यान से देख करके सही रखना है, इसमें आते हैं और JPG लेते हैं। यहाँ से JPG लिए, उसके बाद आप इसका नाम रख दीजिए जो अभी आपको रखना है, यहाँ पर हम रख देते हैं T लिख दिए, उसके बाद सेव कर देते हैं। तो ये मेरा सेव हो चुका है, ओके कर देते हैं। आपको ध्यान रहे आप यहाँ पर क्रॉप भी कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली नाम टाइप कर लीजिए। उसके बाद हम आते हैं उस फोल्डर में, यहाँ पर देखिए हमारे पास TDL फाइल आ चुका है जो कि SIGN के नाम से है और सिग्नेचर भी आ चुका है जो कि T नाम से है। तो अब ये सेट कैसे होगा, तो टेलीप्राइम में आते हैं। टेलीप्राइम में आने के बाद यहाँ पर एक नया कंपनी हम ओपन करते हैं, ये तो पहले है, इसमें सेट है पहले से, तो Ctrl+F3 करेंगे। Ctrl+F3 करने के बाद इसको बंद कर देते हैं इस कंपनी को और यहाँ पर दूसरा कंपनी ओपन करते हैं, अंकित शर्मा GST नाम से, यहाँ पर ओपन हो चुका है।
यहाँ पर आपको नाम ध्यान रखना है, क्या नाम है, अंकित शर्मा GST। उसके बाद आपको अल्ट के करना है, अल्ट के करने के बाद अल्टर में आना है और इंटर करेंगे। यहाँ पर आपको कंट्रोल सी प्रेस करना है। ये जो आपका कंपनी का नाम दिख रहा है इसको आपको कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी से। उसके बाद आपको अपने फोल्डर में आना है जहाँ पर आपका सिग्नेचर है, यहाँ पर आपको F2 करना है इस सिग्नेचर पे और कंट्रोल वी कर देना है। मतलब जो नाम आपका कंपनी का है वही नाम आपका इस फोटो का होना चाहिए जो कि सिग्नेचर है JPG फाइल, सेम टू सेम, कुछ भी अलग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कर लिया है, आपको दिख रहा है जो कि कंपनी का नाम था वही सेम यहाँ पे रखे हैं। उसके बाद हम फिर से आते हैं टेलीप्राइम पर और टेलीप्राइम पे आने के बाद कंट्रोल ए करते हैं इसको। और यहाँ पर आपको दिखेगा राइट साइड में लिखा हुआ है हेल्प, आप कीबोर्ड से F1 प्रेस करिए या फिर आप यहाँ क्लिक करिए। उसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पर लिखा हुआ है TDLs Add-ons, यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए अभी पहले से मेरा लोड है जो कि पहले वाले कंपनी में था, तो इसको अभी हम हटा देते हैं, इस पर इंटर करेंगे। इंटर करने से कुछ नहीं होगा, आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है F4 बटन और यहाँ पर हम नो करते हैं, इंटर करेंगे, हट गया, फिर से F4 करेंगे और इसको यस कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे आना है, ऊपर में दिख रहा होगा सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, इस पर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद कहाँ पर है आपका, तो डेस्कटॉप पे है, डेस्कटॉप पे आते हैं। डेस्कटॉप पे आने के बाद किस नाम का फोल्डर है आपको फोल्डर ढूंढना है, तो फोल्डर मेरा सिग्नेचर नाम का था, यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है TCP फाइल, ध्यान से आप देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा TCP फाइल, आपको इस पर आके इंटर करना है। यहाँ पर मेरा सेलेक्ट हो चुका है, लोड TDL यस रहना चाहिए, फिर से इंटर करेंगे। इस बार आप कुछ नहीं सेलेक्ट करना है, एंड ऑफ लिस्ट रहेगा, इंटर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरा TDL फाइल लोड हो चुका है फाइनली। उसके बाद स्केप से बैक आएंगे, बैक आने के बाद वॉचर में आते हैं। वॉचर में आने के बाद यहाँ पर हम कंट्रोल पी करते हैं। कंट्रोल पी करने के बाद यहाँ पर हम प्रीव्यू में आएंगे और इंटर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए नीचे मैं आता हूँ, इसे स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है मेरा जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर लग चुका है। यदि आपको प्रिंट करना है तो आप इसे पहले PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करिए, उसके बाद आप प्रिंट करिएगा तो एक्यूरेट आपका सिग्नेचर प्रिंट होगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने क्या किया है, थैंक यू विजिट अगेन लिखा है। ये कैसे लिखा है, यदि ये भी आपको जानना है तो मैं आपको बताता हूँ। जब आप प्रीव्यू करते हैं, कंट्रोल पी करते हैं, तो यहाँ पर आपको बगल में दिखता है कॉन्फिगर, आपको इस पर इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ पर सो मोर है, इस पर इंटर करिए और नीचे आ जाइए। यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, नीचे आने के बाद आपके सामने में यहाँ पर दिखेगा लिखा हुआ है जनरेट बाय, ध्यान से आप देखिए फुटर इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है जनरेट बाय, इस पर इंटर करिए। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर जो भी टाइप करना है आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद कंट्रोल ए करिए, इसको भी कंट्रोल ए करिए और फिर आप यहाँ पर प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रीव्यू पे आते हैं, इंटर करते हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है जो मैंने पहले लिखा था वही दिख रहा है और यहाँ पर सिग्नेचर दिख रहा है। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग TDL फाइल को क्रिएट करते हैं, मतलब बनाते हैं, कैसे उसका एक्सटेंशन सेट करते हैं और टेलीप्राइम में कैसे एडऑन्स में उसको ऑन करेंगे, मतलब TDL में ऐड करेंगे। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।